भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ। दोनों टीमों के बीच पहली बार डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया और पहली पारी में 59.1 ओवर में 252 रन के स्कोर पर सिमट गई। शेयर सैयद ने भारतीय टीम में सबसे ज्यादा 92 रन बनाए। आखिरी विकेट के रूप में वो आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से फेल साबित हुए।